ग्वालियर शहर के बहोड़ा पर पुलिस ने दिल्ली में पंजीकृत कर से 71 किलो से ज्यादा डोडा चूड़ा बरामद किया। गाड़ी सहित बरामद माल की कीमत 9 लाख रुपए बताई जा रही है। खास बात यह है कि पुलिस को यह कार लावारिस हालत में खड़ी हुई मिली, जबकि इसमें सवार लोग पुलिस को देखते ही गायब हो गए थे। पुलिस ने कार के नंबर के आधार पर दिल्ली से इसके मालिक के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दी है। दरअसल गुरुवार शाम किसी अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी थी कि ट्रांसपोर्ट नगर में एक काले रंग की कार खड़ी हुई है, जिसमें दिल्ली का नंबर डला हुआ है। इस कार में कुछ संदिग्ध बोरे रखे हुए हैं, जिनमें नशीला पदार्थ हो सकता है। इस सूचना पर बहोड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और कार की तलाशी ली। फिलहाल एनडीपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर से योगेश विसारिया की रिपोर्ट। बोड़ापुर थाने में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ट्रांसपोर्ट नगर न्यू दाल बाजार में एक जायलो गाड़ी खड़ी हुई है, उसमें मादक पदार्थ भरा हुआ है। तो उक्त सूचना पर बोड़ापुर पुलिस ने जाके ट्रांसपोर्ट नगर के पास जाकर चेक किया, तो वहाँ पे मुखबिर की सूचना के अनुसार एक जायलो कार दिल्ली पासिंग मिली और अंदर से लॉक्ड थी। उसके अंदर बोरों में कुछ भरा हुआ था, तो तस्दीक करने पर उसमें डोड़ा चूरा पाया गया। तो जो डोड़ा चूरा को वेट करने पर एनडीपीएस के प्रावधानों का पालन करते हुए मौके पर वैधानिक कार्रवाई की गई और करीब 71 किलो डोड़ा चूरा बरामद किया गया।